है, शायद उनका ही व्यक्ति, शायद नहीं है, मुझे विश्वास है कि उन्हीं का व्यक्ति है वो। और जो पत्रकारों की बात आई है तो पत्रकारों के साथ कोई ऐसी बदतमीजी नहीं की गई, लेकिन उसको हाँ रोका गया कि आप ऐसे क्यों मूवी बना रहे हैं। आप अगर कोई भी पत्रकार किसी भी व्यक्ति का कोई खबर लगाता है तो उससे वर्जन लेना उसका एक नैतिक कर्तव्य बनता है, ताकि वो पूछे कि हाँ वहां पर क्या बात हुई थी, क्या सच में ये बात। अब सबूत किसी के पास नहीं है और वैसे हवा में घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, तो मेरा पत्रकारों से भी ये अनुरोध रहेगा कृपया करके कि वो थोड़ा सा संयमित होकर ये अपनी पत्रकारिता करें। और आपको पता ही है कि ये जो भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ पत्रकार है, पत्रकारिता है, तो कृपया अपनी मर्यादा को भी ध्यान में रखें, और जो हमारे जैसे पार्टी के वर्कर हैं, हमारे जो नेता हैं, उनकी भी थोड़ी सी मान मर्यादा को रखें और एक सही दिशा में चले, ताकि लोगों को सही और गलत के बारे में थोड़ा सा उनको ज्ञान हो। तो विधायक महोदय ने खुद बोला है कि अगर मेरी गलती होगी, मैंने उसको गाली निकाली, गाली गौज की, तो मैं उसके लिए सार्वजनिक रूप से उससे माफी मांगूंगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई, हम भी वहीं थे मौजूद, इनके साथ ही थे, हम भी सारी व्यवस्था देख रहे थे, हमने लोग एकत्रित किए थे, फूल मालाएं जो वितरित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, और हमारी जनता पूरे जोश और पूरे जोश के साथ उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़ी थी सुबह से। तो उस जोश में कई देर के लिए, क्योंकि वहां पर हजारों की संख्या में हमारे लोग एकत्रित थे, कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती तो उसकी जिम्मेवारी किस पे आनी थी, या तो भाजपा संगठन पे आनी थी, या फिर सीधे सीधे विक्रम सिंह जरयाल जी के ऊपर आनी थी। तो सिर्फ उसको यही आदेश दिए कृपया करके इन गाड़ियों को थोड़ा सा रोके और यातायात को थोड़ा सुचारू करें, और जो हमारे कार्यकर्ता जो बिखरे पड़े हैं उनको थोड़ी सी लाइन में लगाने की कृपा करें। बस इतनी सी बात हुई है, उसका उन्होंने पूरा वो बना दिया उन्होंने। तो मुझे तो ये लगता है कि वो सोची समझी साजिश थी, और जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं, शायद उनका ही व्यक्ति, शायद नहीं है, मुझे विश्वास है कि उन्हीं का व्यक्ति है वो। और जो पत्रकारों की बात आई है तो पत्रकारों के साथ कोई ऐसी बदतमीजी नहीं की गई, लेकिन उसको हाँ रोका गया कि आप ऐसे क्यों मूवी बना रहे हैं। आप अगर कोई भी पत्रकार किसी भी व्यक्ति का कोई खबर लगाता है तो उससे वर्जन लेना उसका एक नैतिक कर्तव्य बनता है, ताकि वो पूछे कि हाँ वहां पर क्या बात हुई थी, क्या सच में ये बात। अब सबूत किसी के पास नहीं है और वैसे हवा में घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, तो मेरा पत्रकारों से भी ये अनुरोध रहेगा कृपया करके कि वो थोड़ा सा संयमित होकर ये अपनी पत्रकारिता करें। और आपको पता ही है कि ये जो भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ पत्रकार है, पत्रकारिता है, तो कृपया अपनी मर्यादा को भी ध्यान में रखें, और जो हमारे जैसे पार्टी के वर्कर हैं, हमारे जो नेता हैं, उनकी भी थोड़ी सी मान मर्यादा को रखें और एक सही दिशा में चले, ताकि लोगों को, तो वो माफी मांगने के तैयार है। लेकिन ये जो बाहर के जो कौन है ये आपका स्वर्ण आयोग का जो एक बड़ा उछल रहा है, उसने जो अभद्र भाषा जो प्रयोग की है वो हमारे लिए निंदनीय, हमारे लिए वो शोभनीय नहीं है। इसका हम संज्ञान लेंगे, हम अंदर कार्रवाई लिख रहे हैं, उसके ऊपर हम केस भी करेंगे, और पुलिस से भी ये हमारा एक अनुरोध रहेगा कि कल जब वो पुतला जला रहे थे, उन्होंने क्या रैली की परमिशन ली थी, क्या कुछ उन्होंने ऐसे प्रदर्शन करना, धरना करना, उसकी परमिशन उनके पास नहीं थी, तो ये थोड़ा सा उनसे पूछना पड़ेगा। और बाकी हम अपने जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, प्रेस में भी देंगे, प्रेस में भी जाएंगे, और इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया इसको हाईलाइट करे थोड़ा, कि हमारी गलती नहीं है, अगर है तो हमें बताएं ना वो आके। निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर उस समय आपको सभी को मालूम है कि कितनी जनता थी वहां, हमारे सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे सारे जो कार्यकर्ता जो बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता, लगभग 3000 की संख्या में तुनुहट्टी सारे एकत्रित थे। और आपको पता है कि तुनुहट्टी एक प्रवेश द्वार है जिला चंबा का और भटियात क्षेत्र का भी, और पर्यटन की दृष्टि से भी देखा जाए तो डलहौजी साथ पड़ता है, तो पर्यटक भी काफी चले हुए थे उस समय। तो उस यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए उसको आदेश दिए गए थे मुख्य सचेतक श्री विक्रम सिंह जरयाल जी द्वारा कि कृपया करके ये जो यातायात चला हो इसको थोड़ी देर के लिए या फिर पीछे रोको। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नगरोटा बंगवा, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशंस ओपन नर्सरी LKG UKG टू 12th, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775, 8091711062।